प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ की नगरी में विजयादशमी पर्व अर्थात दशहरे पर रावण का दहन नहीं किया जाता। माना जाता है कि यह अनोखी परंपरा केवल ओमकारेश्वर में ही निभाई जाती है, जहां रावण का दहन ना करते हुए उसकी जगह समाज जन आपस में एक दूसरे को विजयादशमी पर्व पर मीठा खिलाकर बधाइयां देते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। यही नहीं, इसके साथ नगर में इस पर्व के दौरान शिवजी का डोला भी निकाला जाता है। धार्मिक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में दशहरा पर्व रावण को न जलाए जाने को लेकर बताया जाता है कि लंकापति रावण बाबा भोलेनाथ के परम भक्त थे, जिसके चलते रावण का दहन ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में अनादिकाल से नहीं किया जाता। दशहरे के दिन ओमकारेश्वर में वर्तमान शासक पुष्पेंद्र राव सिंह के राज परिवार बाबा की पालकी के साथ नगर भ्रमण कर दशहरा मिलन समारोह के लिए जाते हैं। यहां एक दूसरे को मिठाई बांटी जाती है, जिसके बाद राजमहल में एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी जाती है। बताया जाता है कि यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और साल में एक बार ही यहाँ के राजा गादी पर बैठते हैं, उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। वहीं इस अनोखी परंपरा के बारे में बताते हुए ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के पंडित धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि यूं तो दशहरे का पर्व सभी दूर देश और दुनिया में मनाया जाता है, हर जगह रावण का दहन भी किया जाता है, लेकिन केवल ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी ही ऐसी जगह है जहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, क्योंकि रावण शिवजी के परम भक्त थे और ओमकारेश्वर में भगवान स्वयंभू प्रकट हैं। इसलिए यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरा पर्व मनाने के लिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जाती है और शिवजी का डोला निकाला जाता है। दशहरा का पर्व पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है, सब दूर रावण का दहन किया जाता है, पर मात्र एक ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी ऐसी है जहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था और ओंकारेश्वर में स्वयं शंभू प्रकट हुए हैं यहाँ पर, वो इसलिए रावण का दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था, इसलिए यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। उसके बदले एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, एक दूसरे को गले मिला जाता है और नगर में शिव जी की डोला निकाला जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।